हमदान जी कहाँ जा रहे हो बेटे? दोस्तों के साथ। हम दोस्तों के साथ घूमना बंद करो और अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमा करो। अब क्या सोच रहे हो? ठीक कह रही हैं आप, मुझे तो इस वक्त रिश्मा के साथ बाहर जाना चाहिए। अभी नहीं, मैं शादी के बाद की बात कर रही। रात के खाने में मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं चलता हूँ। नहीं करूंगी इंतजार। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? वो करिश्मा के साथ बाहर जाना था। बाहर डिनर पे? डिनर? जी। तो बेटा शादी तो होने वाली है ना, ये सब शादी के बाद? कुछ जरूरी बातें करनी थी मामू मुझे करिश्मा से, तो यहां बैठ के कर लो। क्या बात है, आप इतने तंग नजर कब से हो गए? तंग नजर की बात नहीं है बेटा, मैं तो कह रहा था। चलो मैं तैयार हूँ। वो हमदान ने फोन करके कहा था कि वो मुझे लेने आ रहा है। ठीक है, अगर तुम भी तैयार हो तो जाओ फिर तुम बोलो। डैड चले। ओके मामू, अल्लाह हाफिज। मुझे लगा था कि अंकल तुम्हें मेरे साथ आने नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब तो हमारी शादी होने वाली है, डैड क्यों मना करेंगे? एक दफा पहले भी तो मना किया था जब तुमसे बात करने आया था, धक्के देके घर से बाहर निकलवा दिया था। हमदान वो सब पुरानी बातें हैं, अब तो सब बदल चुका है। मुझे ऐसे लगा जैसे जमाल मामू मुझे अभी भी पसंद नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं है, पसंद ना करते तो रिश्ते के लिए हाँ ना करते। हो सकता है उनकी मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? कोई भी, हो सकता है तुम्हारा रिश्ता ना मिल लो। तो कैसी बातें कर रहे हो हमदान? मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती थी? तुमसे शादी का वादा जो कर चुकी थी, वरना तुम्हें ना बुलाती, खामोशी के साथ जैद के रिश्ते को कबूल कर लेती। तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, शदीद मोहब्बत। तुम्हारे इंतजार में मैंने किस किस तरह डैड को रोका ही मैं ही जानती हूँ। हाई स्टडीज का बहाना करके, वरना डैड तो अब तक मेरी शादी कर चुके होते। और वैसे भी अगर डैड कोशिश करते तब भी बात ना बनती, क्योंकि मेरी शादी तो तुमसे होना लिखी थी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।